नमस्कार, ये एफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। भाजपा नगर अध्यक्ष एवं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से मकान पर अवैध कब्जे व लूटपाट को लेकर पीड़ित परिवार ने दी आत्मदाह करने की धमकी। हरदोई जिले के शाहबाद कस्बा के मोहल्ला महुआ टोला थाना शाहबाद निवासी ओम प्रकाश ने जिला अधिकारी महोदय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका मकान मोहल्ला महुआ टोला में है, जिस पर राधिका पत्नी सोनपाल छोटू नंबर 4 निवासी महुआ टोला अपने बहनोई लाला राम सुहागपुर तथा नरेश निवासी महुआ टोला भाजपा नगर अध्यक्ष एवं पुलिस प्रशासन से मिलकर जबरदस्ती मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से 18 फरवरी को बल्लम सरिया आदि लेकर उसकी दीवारों में तोड़फोड़ करने लगे तथा दरवाजे उखाड़ दिए। जब बच्चे सोकर उठे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो उनको काफी मारा पीटा। जब ओम प्रकाश की पत्नी ने 1076 पर फोन किया तो मौके पर पुलिस पहुंची। इस प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो भाजपा नगर अध्यक्ष ने पुलिस से सांठगांठ कर दबाव बनाकर कार्यवाही नहीं होने दी। थाना अध्यक्ष SDM शाहबाद व पुलिस अधीक्षक महोदय हरदोई को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार दर दर ठोकरे खाने को मजबूर है। ओम प्रकाश ने बताया कि घर में कोई ऐसे बर्तन या अनाज भी नहीं रहा जो बच्चे खाना बनाकर खा सकें, लेकिन पुलिस प्रशासन भाजपा नगर अध्यक्ष किसी पर कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। ओम प्रकाश ने बताया कि मैं CM ऑफिस के सामने आत्मदाह करने को मजबूर हो गया हूँ, कार्यवाही नहीं होती तो परिवार सहित CM ऑफिस के सामने आत्मदाह कर दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं मोहल्ला महुआ टोला शाहबाद जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले कुछ दबंग मेरे मोहल्ले के लोग गुंडों ने मेरे घर पे जबरदस्ती करीब 8-10 बार वो हमला कर चुके हैं और मेरा घर तोड़कर दरवाजा उखाड़ कर 18 तारीख को उन्होंने मेरे घर में प्रवेश किया और मेरा घर छीन लिया, लूटपाट किया है और हमें बेदखल कर दिया, मेरे घर से बाहर हमें ले निकाल दिया, हमारा सब लूट लिया है, कुछ भी नहीं रखा है घर में, मेरा कुछ भी नहीं रह गया, जो बच्चे हमारे चाय या खिचड़ी बनाकर तकी खा ले, मेरे बर्तन भांडे सब उठा लिए और सब कुछ लूट लिया करीब 1.5 लाख। इस संबंध में आपकी जो लूटपाट हुई है और मकान तोड़ा फड़ा है या बर्तन तोड़े हैं, इस संबंध में आप किसी अधिकारी से नहीं मिले हैं? हाँ, मैं थाना कोतवाली में भी मिला और उसके साथ साथ मैं 20 बार कम से कम थाना कोतवाली गया। थाना कोतवाली में क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? कुछ नहीं, पहले तो मतलब हमको कह दिया कि शांत रहो शांत रहो, उसके बाद हमसे कहा तिहाई उसको दे दो, जबरदस्ती दे दो और उसका भी उसको भी दिलाओ, और ना तो अमर रस्तोगी है जो BJP का नगर अध्यक्ष है, वो दबाव बना के पुलिस पे शिकंजा कसता है, वो दबाव बनाता है और वो हमें प्रताड़ित कराता है, हर तरीके से प्रताड़ित कराता है, हमारा शोषण और अन्याय कर रहा है, मेरे साथ घोर अन्याय कर रहा है हमारा बहुत। भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं? नगर अध्यक्ष है। क्या नाम है? अमर रस्तोगी जी। हाँ, वो आपको प्रताड़ित करवा रहे हैं? 3 महीने से पुलिस पे दबाव बना के हमें जबरदस्ती प्रताड़ित और जबरदस्ती मेरा घर छीनने की कोशिश कर रहा है और करवा रहा है। उन्होंने 18 तारीख को गुंडों को भेज के हमारा घर तोड़वा दिया और हमारे घर में सब कुछ लुटवा लिया और हमारे घर में वो गुंडे प्रवेश करके। इस संबंध में आपने मुख्यमंत्री को कोई कार्रवाई वगैरह की? हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने 2-3 बार डाला है और मैं जिलाधिकारी महोदय से भी मिला, SDM साहब से भी मिला 2 बार, उन्होंने आदेश भी किया, आर्डर भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी मिला और मैं आयोग में भी गया, वहां से भी कार्रवाई SP महोदय के लिए हुई, वो मैं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को हैंड टू हैंड देकर आया और वहां से कार्रवाई हुई, लेकिन मेरे साथ भाई साहब अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। ये BJP का नगर अध्यक्ष जबरदस्ती हमारा घर छीन लिया है और छीन लिया है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनका क्या नाम है? सोनपाल हैं, छोटू हैं, लाला राम हैं, गुड्डू हैं और उनका एक दामाद है लाला राम का, ये सभी लोग हैं, नरेश है, राम नरेश। आपके बीवी बच्चों में चोट किसी को आई है? मेरी बीवी को भी चोट आई है, 2 बार मार चुके हैं वो लोग और मेरी जैसे उसमें सुनवाई भी नहीं हुई है। 2 बार मेरी बीवी को मारा, मेरे छोटे छोटे बच्चों तक को मारा, मेरी बेटियों को मारा, मेरे सभी बच्चों को मारा। आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या न्याय मिलेगा आपको या न्याय नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, अब ऐसा देखते हुए तो मैं तो न्याय के लिए 10-50 बार गया था, लेकिन मैं अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे न्याय दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब पुलिस और वो BJP का नेता नगर अध्यक्ष इतना हावी है, इतना हमें दांत पीस के दौड़ता है, मारने को दौड़ता है, गाली देता है और तरह तरह से कहता है कि जबरदस्ती इसका जो है घर, किसी तरह से जबरदस्ती इसका घर दिलवा दीजिए और इससे घर उसको दिलवा जरूर दीजिए, हर तरीके से वो हमें प्रताड़ित कराता है, 50 बार थाने में दौड़ चुका है मेरे ऊपर। इंस्पेक्टर कौन है इस समय थाना आपके शाहबाद में? इंस्पेक्टर इस टाइम राजेश्वर ओझा जी है। चलिए ठीक है, मदन पाल सिंह की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।
24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।